फेलकम टोल। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत है जो कि ब्रंसन की प्रक्रिया के दौरान जिसका निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह एक ब्लॉक पर्वत न होकर एक वास्तविक पर्वत श्रृंखला है जो कि प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसका वास्तविक स्वरूप देखें तो जो बहने वाली प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या पेंद्रु और भी अन्य नदियाँ, उनके अपरदन के कारण तथा लगातार बहुत लंबे समय से इसके अनाच्छादन के कारण ये एक कटीपटी पहाड़ियों के रूप में मिलता है, ना कि एक सतत श्रृंखला के रूप में। इस प्रकार हम देखें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अगर अंतर देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि पश्चिमी घाट क्या है। एक होर्स्ट या ब्लॉक पर्वत, अभी पूर्वी घाट क्या है, एक वलित पर्वत। दूसरी ओर देखें तो जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है इसका ये एक जो विस्तार है वो सतत रूप से, जबकि ये विच्छिन्न रूप से कटी फटी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जिनको बीच से नदी घाटियाँ गुजरती हैं। और अधिक देखें तो इसका अगर एल्टीट्यूड देखें, औसत ऊंचाई एवरेज एल्टीट्यूड वो अधिक है जबकि इसकी कम है। फिर इसके बाद देखें इनकी संरचनात्मक अंतर, तो सह्याद्री में उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र जैसे कि बेसाल्ट से बना है, शेष मध्य सह्याद्री और दक्षिणी पश्चिमी घाट क्षेत्र जो प्राचीन जो आर्कियन नाइस और जो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, वहीं जो पूर्वी घाट है वो पूरा पूर्वी घाट है जो प्राचीनतम चट्टानें उनसे बना है। इनमें विशेष प्रकार के टर्नोकाइट, कोंडेलाइट, ये जो शैलक्रम है ये मिलते हैं। अब देखते हैं कि जो पूर्वी घाट है उसकी जो प्रादेशिक विभाजन है, अगर इनकी औसत ऊंचाई देखें तो लगभग 1100 मीटर है, लेकिन इसका जो पूर्वी घाट का जो उत्तरी भाग है, पूर्वी घाट को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। तो पूर्वी घाट का जो उत्तरी भाग है जो कि महानदी से लेके जो कृष्णा गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के बीच में स्थित भाग कौन सा कहलाता है, इसका उत्तरी पूर्वी घाट क्षेत्र। महानदी से उत्तर में क्या स्थित है, हमने प्रायद्वीपीय पठार में जो ईस्टर्न हाईलैंड्स या पूर्वी उच्च भूमि के बारे में पढ़ा था तब आप पढ़ा था यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, उड़ीसा हिल्स, जो कि पूर्वी घाट का भाग न होकर किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का अर्थात पूर्वी पठार का। और महानदी से दक्षिण में ये क्या स्थित है, पूर्वी घाट। तो इसका विभाजन देखने से पहले ये देख लेते हैं कि जो भारत का राजनीतिक मानचित्र है उसमें कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो यहाँ देखें तो ये उड़ीसा, फिर उसके बाद में जो तटीय आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ, थोड़ा सा भाग तेलंगाना में, फिर थोड़ा सा भाग कर्नाटक में और शेष तमिलनाडु राज्य में, अर्थात इन पांच राज्यों में विस्तृत है। अब उत्तरी भाग है वो जो उड़ीसा क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना क्षेत्र में स्थित है। अगर सही में कहें ट्रू फॉर्म में अगर ये पर्वत रूप में नज़र आता है तो इसके उत्तरी भाग में ही नज़र आता है। उत्तरी भाग में ये सतत पर्वत श्रृंखला के रूप में, इसकी चौड़ाई भी अधिक है और ये महानदी और गोदावरी और कृष्णा नदी द्वारा जो यहाँ इसका अपरदन किया गया इससे जो उत्तर में है वो आपका उत्तरी पूर्वी घाट क्षेत्र है। तो यहाँ की जो औसत ऊंचाई है वो अधिक है शेष जो पूर्वी घाट का भाग है उससे। यहाँ सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1500 मीटर से भी अधिक है और ये वो आपका उत्तरी पूर्वी घाट। अब देखते हैं मध्य पूर्वी घाट क्षेत्र। मध्य पूर्वी घाट क्षेत्र को देखें तो मध्य पूर्वी घाट क्षेत्र आपके केजी बेसन से लेके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमावर्ती क्षेत्र पे स्थित है। अगर इसको उत्तरी पूर्वी घाट से तुलना करें तो जहाँ उत्तरी पूर्वी घाट एक सतत श्रृंखला के रूप में था वहाँ ये एकदम कटी फटी और विच्छेदित विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में मिलता है। ये
यहाँ तीन पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है, ये इस प्रकार है। तीन, सबसे पहले यहाँ नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ, फिर वेनिकोंडा की पहाड़ियाँ और फिर पालकोंडा की पहाड़ियाँ, ठीक। और इनकी ऊंचाई उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से बहुत अधिक है, अत्यधिक कटी फटी पहाड़ी क्षेत्र है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो इसका दक्षिणी भाग है, इसका जो दक्षिणी भाग है उसकी ऊंचाई इनसे भी कम है, उत्तर और मध्य भाग से, लेकिन इसका विस्तार बहुत अधिक है, इसकी चौड़ाई अधिक है। अगर इसके दक्षिणी भाग को देखें तो पिछली कक्षा में देखा था यहाँ पश्चिमी घाट में देखें नीलगिरी घाट है, फिर नीलगिरी के बाद में फिर पालघाट क्षेत्र है, पालघाट के बाद में फिर अन्नामलाई पालने हिल्स हैं, यहाँ कार्डामम हिल्स हैं, फिर अगस्तमलाई हिल्स हैं। ये जो क्षेत्र है जो आपका शेष भाग है ये है पूर्वी घाट क्षेत्र। पूर्वी घाट क्षेत्र में को विच्छेदित करने वाली एक प्रमुख नदी यहाँ से गुजरती है जो है कावेरी नदी। कावेरी नदी और जो पश्चिमी घाट के बीच का क्षेत्र है ये एक पठारी भूमि के रूप में, किसके रूप में, अगर पालने हिल्स के थोड़ा सा आगे का भाग को छोड़ दिया जाए शेष भाग एक पठार के रूप में, जिसका जो उत्तरी भाग उसको कोयम्बटूर पठार के नाम से जानते हैं। तो कोयम्बटूर पठार एक प्रकार से मैसूर पठार का ही विस्तार है, लेकिन दूसरी ओर ये अगर स्थलाकृतिक दृष्टि से देखें तो ये पूर्वी घाट का विस्तार है। पश्चिमी घाट और कावेरी नदी के बीच का क्षेत्र जो उच्च पठारी भाग है ये कोयम्बटूर का पठार क्षेत्र है। अब कोयम्बटूर पठार के उत्तरी भाग में देखें तो यहाँ ये पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जो कर्नाटक का जो दक्षिण पूर्वी भाग और एक सुदूर दक्षिणी भाग आता है, यहाँ एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है बीलगिरी। ये अपने जो सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ बीलगिरी रंगनाथ मंदिर पाया जाता है टेम्पल, और साथ ही बीलगिरी रंगनाथ जो टेम्पल है वो एक नेशनल पार्क भी है, बीलगिरी नेशनल पार्क और साथ में टाइगर रिजर्व भी है। अब अगर कावेरी के पूर्व में देखें तो यहाँ कई पहाड़ियाँ मिलती हैं जैसे दावड़ी हिल्स, सेवरा हिल्स, ये एकाकी पहाड़ियों के रूप में ना कि एक सतत पर्वत श्रृंखला के रूप में, जिसके बीच में जो भाग जो मैदानी भाग है वो विभिन्न नदियों द्वारा निर्मित जो ये आपर्दित क्षेत्र है। तो ये है आपका पूर्वी घाट क्षेत्र। धन्यवाद।